कुछ आगे चलते चलते हमें और लेपर्ड के पगमार्क दिखाई दिए। ये देखिए लेपर्ड के पगमार्क की ये जगह पे एक रात में ना टाइगर ने 3 किल कर दिए थे, है ना। जिसमें हेलो दोस्तों, एक और नए ब्लॉग में आपका स्वागत है और मैं आपका दोस्त एंड होस्ट अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं अभी ब्लॉग जोन। तो सुंदरखाल विलेज के कोसी रिवर पे और इधर की साइड करेंगे जंगल ट्रैकिंग, क्योंकि आजकल इधर की साइड लेपर्ड और टाइगर की बहुत ज़बरदस्त मूवमेंट बनी हुई है। चलते हैं और देखते हैं इधर की साइड क्या क्या देखने को मिलता है और नीचे की साइड ज़बरदस्त पगमार्क टाइगर और लेपर्ड के दिखाई दे रहे हैं। तो अभी आपको दिखाता हूँ कि नीचे की साइड, ये देखिए ये हैं लेपर्ड के ज़बरदस्त पगमार्क और रात के वक्त इधर की साइड ये देखिए ये लेपर्ड के पगमार्क हैं रात के समय। और कुछ दिखाता हूँ आपको, ये देखिए ये लेपर्ड के पगमार्क जगह जगह दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों इधर की साइड आजकल टाइगर और लेपर्ड की ज़बरदस्त मूवमेंट बनी हुई है। अक्सर कुछ लोगों की वीडियो में आपको इधर टाइगर पीछे की साइड, ये देखिए मैं अभी आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये इधर की साइड ये जो आपको पेड़ों के नीचे की जगह दिखाई दे रही है यहाँ पे टाइगर और लेपर्ड ज़बरदस्त आजकल देखा जा रहा है। और इधर कुछ महिलाएं गांव की आती हुई जो काटने जा रही हैं लकड़ियाँ, ये देखिए ये जा रही हैं जंगल में लकड़ियाँ काटने। तो अक्सर कई बार क्या होता है कि जो ये लकड़ियाँ काटने आती हैं ये जाती हैं झुंड में, क्योंकि अक्सर टाइगर और लेपर्ड की ज़बरदस्त मूवमेंट बनी रहती है इधर। तो होता क्या है कि कई बार टाइगर और लेपर्ड से भी आमना सामना हो जाता है। तो दोस्तों ये जो पूरा इलाका आप देख रहे हैं यहाँ काफ़ी ज़्यादा वाइल्ड लाइफ की मूवमेंट रहती है और कई बार हमने आपको इधर एलिफेंट के ग्रुप भी दिखाए हैं जो आते हैं पानी पीने। तो कुछ आगे चलते चलते हमें और लेपर्ड के पगमार्क दिखाई दिए। ये देखिए लेपर्ड के पगमार्क की ये पहचान है कि आगे की साइड इसके पंजे नुकीले होते हैं। और ये देखिए ये रात के वक्त चला होगा इधर की साइड, ये देखिए काफ़ी बड़ा इसका पगमार्क है और ये यहाँ से कोसी रिवर पे आया होगा पानी पीने। तो दोस्तों ये गांव के ये और आप देख सकते हैं ये गांव के कुछ वो छुपे हुए एरिया हैं जहाँ पे टाइगर और लेपर्ड लगभग डेली आता है। और नीचे की साइड और पीछे की साइड तो आप देख ही सकते हैं, ये देखिए ये पीछे कितना घना जंगल है और ये है सब पीछे की साइड शिवालिक रेंज। यहाँ से जो पहाड़ दिखाई दे रहे हैं आपको पीछे की साइड के, ये सब शिवालिक रेंज है। तो दोस्तों यहाँ से जो व्यू आता है वो आपको एकदम हॉलीवुड पिक्चरों जैसा आता होगा, क्योंकि नीचे की साइड रिवर बह रही है और ऊपर की साइड ऊंचे ऊंचे पहाड़, और इन पहाड़ों पर रहती है वाइल्ड लाइफ की काफ़ी ज़्यादा दस्तक और मूवमेंट। तो चलो और पगमार्क देखने को मिल जाए टाइगर के भी। नीचे की साइड तो काफ़ी ज़बरदस्त पगमार्क दिखाई दे रहे हैं मिले जुले, ये देखिए ये कुछ पगमार्क दिखाई दे रहे हैं जो ऊपर से नीचे की ओर भी आ रहे हैं और नीचे से फिर ऊपर की ओर जा रहे हैं। तो दोस्तों ये सब लेपर्ड के पगमार्क हैं और यहाँ अभी ट्रैकिंग करते करते आपको टाइगर के पगमार्क भी दिखाएंगे। और दोस्तों सामने की साइड ये कुछ लोग जो बरसातों में ये बड़ी बड़ी लकड़ियाँ बह के आई होंगी, ये देखिए वो अपना ये लकड़ियाँ काट के और रात को अपने जलाने के काम में लेंगे। तो ये जो गांव की लाइफ है, विलेज लाइफ है, वो कुछ ऐसे ही जीवन यापन करते हैं। यहीं से अपना घास और लकड़ियाँ कुछ बीन के ले जाते हैं, अपने पालतू पशुओं को भी यहीं रिवर साइड छोड़ते हैं। तो दोस्तों ऐसी ऐसी चीज़ें आपको, और अक्सर होता क्या है कि जब ये आते हैं लकड़ी काटने या कुछ घास लेने तो अक्सर इन्हें यहाँ पे टाइगर और लेपर्ड के दर्शन भी हो जाते हैं। तो चलते हैं कुछ और आगे। चंदन किशोर भाई, आप हमें सुंदरखाल विलेज के जो रिवर साइड है इसके बारे में कुछ जानकारी दें। सबसे पहले तो अभिषेक भाई नमस्कार आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद करता हूँ कि आप जरूर अभिषेक भाई के कंटेंट में हमेशा बने रहेंगे और साथ ही अभिषेक भाई के कंटेंट को पूरा देखकर उनका समर्थन करेंगे, क्योंकि आप काफ़ी इजीली चीज़ों को देखते हैं बट ये चीज़ें इतनी इजी नहीं होती हैं, इसके लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। और ये आपको इजीली आपके जो डिवाइस हैं, जैसा कि आपके हाथ में अगर फ़ोन है आप फ़ोन से देख रहे हैं या घर में आप टीवी से कनेक्ट करके चीज़ों को देख रहे हैं, तो ये इजी आपको प्रोवाइड तो हो जा रही हैं बट इसके लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि आप ज़रूर कंटेंट में अपना
सपोर्ट जो है वो बनाए रखें और कंटेंट को हमेशा पूरा देखने का प्रयास करें, जिससे कि आपको कुछ नई जानकारियां और कुछ ऐसे मतलब जंगल के जो मूवमेंट हैं वो देखने को मिल जाएं जो शायद ही कभी देखने को मिलते हैं। होता क्या है कि जो जंगल है हमेशा अपना रूप तो बदलता है, बट जब तक हम उस जगह पे नहीं जाएंगे तो तब तक हमें उस रूप का कुछ पता नहीं चलेगा, है ना। तो इसीलिए आप जरूर आए हैं सुंदरखाल ब्लेज में, जैसा कि अभी हम लोग आपको लेकर आए रिवर साइड, है ना। काफ़ी दिनों बाद आज मुझे भी रिवर साइड आने का मौका मिल रहा है, बट है क्या कि थोड़ी मैं इस जगह का लोकल निवासी हूँ, तो उस भी आप पे जो भी चीज़ें आज की डेट में इस जगह पे हो रही हैं उसके अकॉर्डिंग सोचता हूँ कि कुछ बेहतरी आपको मैं बता पाऊँगा। नंदकिशोर जी, हम पिछली बार आपके साथ यहाँ आए थे तो बिल्कुल पानी नहीं था। बिल्कुल नहीं, पानी का फ्लो काफ़ी तेज है, तो कितने दिनों से यहाँ पर पानी आ रहा है? इस पानी को आए हुए नहीं भी तो आज से महीना भर हो चुका है। अच्छा। जो अपनी लास्ट बारिश थी इस ईयर की, तो उस बारिश में ना आपने अगर नोटिस किया हो, पहले इस तरफ सामने जो सावन का फॉरेस्ट है ये नज़र आ रहा है, और इस बीच में आपको ये नदी नज़र आ रही होगी, है ना। और इधर की साइड में ये देखिए फिर से सावन का फॉरेस्ट नज़र आ रहा है। जब आप आज से पहले इस जगह पे आए थे तो आपको इस जगह पूरा सावन का फॉरेस्ट नज़र आता होगा, बट जो लास्ट बारिश हुई थी उसमें नहीं भी तो 2 या 3 दिन जो कंटिन्यूसली बारिश चली थी उसने ये सारी चीज़ें बदल कर रख दी हैं। मोस्टली हमें जो रिवर देखने को मिलती थी वो मिलती थी ठीक जो पहाड़ी है उसके जस्ट नीचे अभी है क्या, रिवर ने ना अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली है जी। क्योंकि उधर जो चुकम का पोर्शन पड़ता है उस साइड से ना रिवर पहले तो चुकम गांव को कवर करते हुए आ रही है। अच्छा। फिर उसके बाद से पड़ जाती है पहाड़ी। तो पहाड़ी का तो जो पानी है वो कटाव नहीं कर पा रहा है, बट वहां से जो ठोकर बनी है इसके लिए वो ठोकर पूरी एकदम गांव की डायरेक्शन में इस पानी को लेकर आ गई, और अभी जो मेन रिवर का हिस्सा है उस जगह पे पानी कम देखने को मिलता है, और कुछ हिस्सा इस तरफ है, कुछ हिस्सा थोड़ी और आगे, फिर एक आगे, मतलब काफी हिस्सों में अभी पानी बटा हुआ है, काफी एरिया में पानी बट चुका है, फिर भी अच्छा खासा पानी इस जगह पे बह रहा है ना जी। एक हमें सूचना मिली है कि यहाँ पर टाइगर सेटिंग काफी अच्छी हो रही है, काफी दिनों आजकल कंटिन्यूअसली इधर टाइगर बना हुआ है। अच्छा। और आज से नहीं भी तो 2 दिन पहले रात के समय 9 से 9:30 बजे का टाइम था जब इस जगह पे ना एलिफेंट की भी साइटिंग के चांस मिले थे, और रात के समय इतनी जोर से चिल्ला रहा था वो, ऐसा लग रहा था मानो जैसे कहीं जिस तरह से अभी टाइगर की मूवमेंट है ना इस तरफ जी जी। और बीच में देखा होगा आपने अगर कोई कंटेंट यहाँ से, तो उसमें आपको पता चला होगा कि इस जगह पे एक रात में ना टाइगर ने 3 किल कर दिए थे, है ना, जिसमें कि थोड़ी गांव वालों का ये सोचना था कि लेपर्ड है। अच्छा। और जो पग मार्क थे उसके अकॉर्डिंग तो थोड़ी ऐसा लग रहा था कि वो टाइगर है, और जो उसके साथ में कफ्स थे तो उन कफ्स के जो पग मार्क थे उससे लग रहा था कि हाँ वो लेपर्ड के ही बच्चे हैं, और हो सकता है कि लेपर्ड हो, बट उसके जो पग मार्क थे वो काफ़ी डेंजरस थे, तो उस हिसाब से थोड़ी कंफ्यूजन जरूर रहा है। बट मुझे ऐसा लग रहा था जो कि एलिफेंट जब चिल्ला रहा है रात के समय, तो उसका चिल्लाने का मतलब मुझे यही लग रहा था कि कहीं एलिफेंट के साथ में उसके बच्चे ना हो, और जैसे कि टाइगर इस जगह पे घूम रहा है बच्चों के साथ में, तो कहीं उसके भी बच्चे ना हो, तो वो कहीं आपस में एक दूसरे से लड़ने वाली जो कंडीशन है ना वो ना हो गई हो, तो उस वजह से ना काफ़ी जोरदार एकदम चिल्लाने की आवाज़ आई थी। बाकी अभी इस जगह पे हम चलेंगे, हो सकता है कि हमें जो टाइगर के पग मार्क हैं वो भी देखने को मिल जाएं, और जो अपने एलिफेंट के पग मार्क हैं वो भी देखने को मिल जाएं, है ना। तो अभी चीज़ें ये है कि इस जगह पे ना टाइगर की मूवमेंट आए दिन देखने को मिल रही है। बाकी थोड़ा है क्या कि हम लोग इसलिए फोकस नहीं करते हमेशा टाइगर के पीछे कि टाइगर ही नहीं देखना है हमें, जंगल में आए हैं तो जंगल में हर एक चीज़ इक्वल है, बेसिकली टाइगर्स लवर काफ़ी ज़्यादा हैं। बट अगर मैं कहूँ आपको, अगर आपको डीपली जंगल को जानना है तो जंगल के हर एक एनिमल्स और जो जमीन पे रिंगने वाले जो कह सकते हैं आप कीड़े, तो वो सारी चीज़ों को ना आप लोगों ने ध्यान से देखना चाहिए, क्योंकि काफ़ी चीज़ें होती हैं हर चीज़ के बारे में जानने के लिए, बट है क्या कि आपको नॉलेज होना उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, जब ही जाके आप चीज़ों को बता पाते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आपका, बिल्कुल आपने समझ लिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। जैसे कि यहाँ पर किसी व्यक्ति को तो नुकसान नहीं हुआ टाइगर लेपर्ड से फिलहाल? अभी फिलहाल की डेट में तो ऐसा कोई नुकसान नहीं हुआ है। अच्छा। बट हाँ थोड़ी जो गांव के लोग हैं वो भी थोड़ी अवेयर रहते हैं चीज़ों को लेकर, जैसा कि इस तरफ होता क्या है ना, आज की डेट में तो थोड़ी कम है, पहले के समय बहुत ज़्यादा होता था। कुछ लोग होते हैं ना जैसे मेंटली डिस्टर्ब, तो उस तरह के लोग कभी हमें ना सड़क पे चलते हुए मिल जाते थे, मतलब जंगल की तरफ, हमने भी देखे है ना,
तो आज की डेट में बीच में एक बार फिर कोई आया था, बट उन्हें वापसी लौटा दिया था नीचे की तरफ, क्योंकि जंगल की तरफ जाना उनके लिए सेफ नहीं था। क्योंकि जब मेंटली बंदा डिस्टर्ब है तो कहीं भी रुक सकता है, और उससे क्या पता कि कौन सी जगह उसके लिए खतरनाक हो सकती है। फिर वो उसी के लिए ने फिर आने वाले जो लोग हैं इस जगह पे या लोकल गांव वाले हैं उन सभी के लिए वो खतरनाक हो जाता है। फिलहाल अभी ऐसी कोई टाइगर ने ह्यूमन बींग्स पे अटैक नहीं किया है, जो काफी अच्छी चीज है अभी तक के लिए। तो दोस्तों चलते हैं अब रिवर साइड से कुछ और आगे, जिधर की साइड टाइगर आजकल डेली रिवर साइड बैठने आ रहा है। तो चलते हैं और नीचे की साइड तो मिले जुले पगमार्क दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों आप देख ही सकते हैं रिवर ने अपना रुख चेंज कर लिया, जैसा कि नंद किशोर भाई ने बताया था कि रिवर पहले पीछे की साइड बहती थी, अब वो बह के आ गई इधर साइड। और यहाँ पे एक टापू हुआ करता था जिसपे एक बड़ा सा पेड़ था, तो जब पानी ज़्यादा आया तो वो सब टापू ख़त्म हो गया। भाई ये एक बचा है दो रिवर के बीच में। तो दोस्तों नीचे की साइड भी ये कुछ काफ़ी बड़े से पगमार्क दिखाई दे रहे हैं, ये देखो कितने बड़े पगमार्क हैं, ये देखिए कितना बड़ा साइज है लेपर्ड का, ये देखिए कितने बड़े बड़े पगमार्क दिखाई दे रहे हैं लेपर्ड के। तो दोस्तों आजकल इधर की साइड बहुत ज़बरदस्त लेपर्ड और टाइगर की मूवमेंट बनी हुई है, ये देखिए। और ये सब रिवर साइड से होते हुए, गांव की साइड से होते हुए आते हैं रिवर साइड। तो चलते हैं कुछ और आगे और देखने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे क्या गतिविधि बनी हुई है। तो ये देखें नीचे भी काफी सारे लेपर्ड के भी, टाइगर के भी, और कुछ स्पॉटेड डियर, सामा डियर के भी पगमार्क दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ सब में आप देख ही सकते हैं यहाँ तक चली है कोसी रिवर, ये जो पिछले दिनों बरसातें हुई ये रेनी सीजन में, तो इधर की साइड सब में पानी पानी चल रहा था। तो चलते हैं कुछ और आगे की ओर, और है क्या ना दोस्तों, ये जो चुकुम विलेज है ये टाइगर और लेपर्ड के लिए साइटिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा मशहूर भी है। और अक्सर अभी दो तीन दिन पहले इधर की साइड टाइगर और एलिफेंट की ज़बरदस्त रात के वक्त चिंघाड़ने की आवाज़ आ रही थी, तो हो सकता है कि कुछ एलिफेंट के साथ भी और टाइगर के साथ भी उनके बच्चे हों। तो आपस में क्या होता है कि जब आमना सामना होता है तो ऐसे ही एक दूसरे को डराने की कोशिश करते हैं। तो चलते हैं यहाँ से निकल के, यह है सब खतरनाक डेंजरस एरिया, ये देखिए ये पड़ी है स्पॉटेड डियर की पॉटी, और ये है सब बड़ा पनोत नाला, जो आगे की साइड हमने अक्सर आपको दिखाते हैं बड़ा पनोत नाला, ये वही है जो इधर की साइड बहता हुआ आता है। अभी पिछले दिनों इतना ज़बरदस्त पानी चल रहा था इधर साइड कि आप देख के भी डर जाते। ये देखिए सब घास लेटी हुई है, तो यहाँ चला है सब जबरदस्त पानी। अपने कंटेंट में कि जो रियलिटी है ना उस पर फोकस किया जाए, बे मतलब कि ना हाइप नहीं बनाया जाए किसी चीज़ को लेकर। जैसे कुछ लोग हैं ना कि कंटेंट को मतलब ज़्यादा व्यूज आए या ज़्यादा चीज़ें उसमें जुड़े, ज़्यादा लोग उससे जुड़े, कुछ ऐसी हाइप बना के रखते हैं, तो वो सारी चीज़ें थोड़ी मुझे आती भी नहीं है। और मैं सोचता हूँ कि जो रियल में चीज़ें हैं उस चीज़ में फोकस करा जाए, ना कि बेमतलब की हाइप बढ़ाई जाए, क्योंकि वो हाइप बढ़ती तो ज़रूर है बट वो लिमिट टाइम के लिए, फिर वो एकदम से डाउन भी आती है। जो डाउन टाइम होता है ना वो फिर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करवाता है अपने आगे के लिए। तो इससे अच्छा है कि आप पहले से ही बेसिक चीज़ों पर ध्यान करें और जो रियल फैक्ट है उन्हीं को आप बताएं। तो आपसे भी मैं यही कहूंगा कि आप लोग भी फोकस करिएगा रियल फैक्ट के ऊपर जी। ये देखिए आपने हमारे पिछले ब्लॉगों में देखा होगा कि यहाँ इधर की साइड सब एरिया काफ़ी चेंज हो चुका है, क्योंकि जब पिछले दिनों अभी पानी आया तो अपने साथ मिट्टी और मलबा भी बहा के लाया। तो दोस्तों हम इधर रिवर साइड काफ़ी डेंजरस एरिया है, तो यहाँ पे अकेले नहीं है हमारे साथ, ये हमारे दो से तीन साथी भी हैं। और नीचे की साइड देखने की कोशिश करते हैं,
कि हमें टाइगर के पग मार्क भी मिल जाए। दोस्तों ये जो आप नीचे की साइड देख ही रहे हैं, ये सब एक दूसरे के पग मार्क के ऊपर सबके पैर बने हुए हैं, ये वाइल्ड लाइफ के। और ये सामने की साइड है बड़ा पनोत नाला। तो यहाँ आप ये जब आगे की साइड जाएंगे हाईवे से, तो आपको बड़े पनोत नाला का एरिया दिखाई दे जाएगा। और आप ये पीछे की साइड देख ही सकते हैं, घना जंगल। और इसी घने जंगल में टाइगर की जबरदस्त मूवमेंट आजकल देखी जा रही है। ये देखिए, ये नीचे की साइड भी आपको स्पॉटेड डियर के पग मार्क दिखाई दे रहे होंगे। ये देखिए, ये है, ये देखो, ये लेपर्ड के पग मार्क। ये देखिए काफी बड़ा साइज है, लेपर्ड के तो पग मार्क दिखाई दे रहे हैं, पर आपको टाइगर के पग मार्क भी दिखाने की कोशिश करते हैं। और अंदर की साइड से कुछ लकड़ी काटने की आवाज आ रही है, तो अभी उधर की साइड भी चलेंगे। ये देखिए दोस्तों, इधर की साइड कुछ तोते उड़ के जा रहे हैं। ये देखिए, ये सामने की साइड, ये पैरट। और शाम के वक्त यहाँ का जो सुंदर नज़ारा है, और आपको बर्ड्स की भी काफ़ी सुंदर सुंदर आवाज़ें और अलग अलग डिफरेंट टाइप की आवाज़ें सुनने को मिल जाएंगी। ये देखिए दोस्तों, नीचे की साइड सब में मिले जुले से पग मार्क दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पे आजकल टाइगर की तो जबरदस्त मूवमेंट रहती रहती है, साथ में लेपर्ड और एलिफेंट की भी मूवमेंट यहाँ दर्ज की गई। आप देख सकते हैं सामने। दोस्तों अभी इधर की साइड से आई कुछ कॉल की आवाज़, हो सकता है कि टाइगर बड़े पनोत नाले से होता हुआ और एक बार फिर आ जाए रिवर साइड। अभी हाल फिलहाल इधर की साइड, उधर रोड साइड से कुछ कॉल की आवाज़ आई, और अंदर की साइड कुछ विलेजर लकड़ी भी काट रहे हैं। तो दोस्तों ये देखिए दोस्तों, ये कितना घना जंगल है, और इस घने जंगल में अक्सर टाइगर यहीं से होता हुआ जाता है रिवर साइड, और घंटों घंटों बैठ के और फिर आ जाता है वापस अपने ट्रैक पे, और फिर चला जाता है सामने जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के घने जंगल में। तो ये दोस्तों, ये वो बीच का इलाका है जहां अक्सर टाइगर जाता है रिवर साइड। तो ये जो एरिया बीच में, और आप देख ही सकते हैं यहाँ का पूरा। और इसी घने जंगल में अक्सर होता क्या है कि कुछ लोग लकड़ी काटने भी आते हैं, तो उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो आप देख ही रहे हैं कि ये पूरा घना जंगल है, और इस घने जंगल में हम जंगल ट्रैकिंग करते हुए, ये देखिए दोस्त, चलते हैं कुछ और आगे इस खतरनाक एरिया में। ये देखिए नीचे की साइड कितनी घनी घनी घास हो रही है, और ये है जंगली तुलसी का पेड़। ये देखिए, ये आपने बहुत कम देखा होगा, शहरों में मिलती है वो तुलसी का कुछ अलग साइज होता है, और ये है जंगली तुलसी। तो दोस्तों ये देखिए, यहाँ सब में अक्सर स्पॉटेड डियर घूमते रहते। और अब चलते हैं आगे रिवर साइड। दोस्तों फाइनली आ चुके हैं हम रिवर साइड, और यहाँ रिवर साइड में आप ये पूरा एरिया तो आप देख ही सकते हैं। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे ये एक जंगल के अंदर से एक रास्ता सा बना हुआ, और टाइगर यहीं आके जहाँ ये पेड़ गिरा हुआ है यहीं पे आके करता है घंटों आराम और लेता है पानी का मज़ा। तो दोस्तों ये पूरा एरिया है ये टाइगर और लेपर्ड से भरा हुआ है, ये रिवर साइड। और आपको एक नज़ारा दिखाता हूँ, ये जो बरसातों में, ये देखिए, ये जो सब ये पेड़ बह के आए हैं, ये आए हैं जो अभी पिछले दिनों बरसात हुई थी उसमें ये सारे पेड़ बह के आए। और ये देखिए अब ये सब यहाँ आके जहाँ रिवर का फ्लो कम था वहाँ पे आके अटक गए। तो ये जो पूरा एरिया है घना जंगल, इस जंगल में टाइगर लेपर्ड और एलिफेंट की ज़बरदस्त मूवमेंट रहती है। अभी दो एक दिन पहले भी यहाँ के लोकल लोगों ने बताया कि इधर की साइड रात में काफ़ी ज़्यादा चिंगाड़ने की आवाज़ आ रही थी एलिफेंट के ग्रुप की, और टाइगर की रोर भी सुनाई दे रही थी। तो हो सकता है कि यहाँ पे कहीं एलिफेंट और टाइगर का आमना सामना हुआ हो। तो दोस्तों अभी हमें फ़िलहाल टाइगर के पग मार्क तो यहाँ कहीं नहीं दिखाई दिए, पर एक हमारे भाई
बैठे हैं और जो बहुत अच्छे ब्लॉग भी बनाते हैं और सुंदर सुंदर गीत सुनाते हैं। तो अभी सुनते हैं इनसे कुछ गीत। हाँ टेढ़ मेढ़ रोड, हाँ गिड़ चुड़ी गाड़ी, दिक्कत के लाना में पैदा सी पहाड़ी, उदय पहाड़ तो दूर बचो। दोस्तों है क्या, चलते हैं हम यहाँ से क्योंकि शाम का वक्त हो चुका है और इधर की साइड टाइगर की जबरदस्त मूवमेंट रहती है। अभी पीछे की साइड से कॉल भी आ रही थी तो चलते हैं यहाँ से निकल के कुछ वापस सुंदरखाल के मेन रोड पे। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय। और ऐसी सुंदर सुंदर जंगल की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।